हेलो दोस्तों, मदान बुटीक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रेडीमेड प्लाजो में मैनी लगाना बताएंगे, जो हमारी थाई से टाइट हो जाती है या हमारी हिप से टाइट हो जाती है, तो हम उसमें किस प्रकार से मैनी लगाएंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको समझाऊँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो दोस्तों, ये हमारा रेडीमेड प्लाजो है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा यहाँ से ये हमारा हिप्स होती है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर टाइट है और हल्का सा इसका आसन भी टाइट है। तो यहाँ पर जब हम तिकोनी मैनी लगाएंगे तो इसका आसन भी बढ़ जाएगा थोड़ा। और दोस्तों, अगर आपका यहाँ की जगह अगर थाई से आपका ये टाइट हो तो हमें फिर यहाँ नहीं लगानी मैनी, फिर हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी मैनी। अगर हिप से टाइट होगा तो हमें मैनी यहाँ पर लगानी है, और थाई से टाइट है तो मैनी हमें यहाँ लगानी है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर तिकोनी मैनी लगाएंगे क्योंकि हमारा ये रेडीमेड प्लाजो यहाँ से टाइट है। तो उसके लिए दोस्तों, इसको हम एक बार पलट देंगे। और दोस्तों, जो ये हमारी आसन वाली सिलाई है, ये यहाँ से नीचे से लगभग 8 इंच के ऊपर तक हम ये इंटरलॉक की कटिंग कर देंगे, और ये जो सिलाई है इसको हम खोल देंगे। ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी यहाँ से और यहाँ तक खोल देंगे, और इस हिस्से को हम इतना इतना खोल देंगे। तो इसको खोलने के बाद दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इसको आसन को इस तरह से खोल देंगे हम, हल्का सा यहाँ से खोल देंगे। अब दोस्तों, हम कोई कपड़ा लेंगे जो हमारा मिलता जुलता है इससे, क्योंकि ये रेडीमेड है तो हमारे पास इसका कपड़ा तो होगा नहीं, तो उसके लिए दोस्तों हमें मिलता जुलता कपड़ा लेना होगा। अगर आपका सेम कपड़ा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पहले दोस्तों, हम यहाँ से देखिए किनारे को कटिंग कर देंगे। ये देखिए, मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है, इसको डबल कर दिया ऐसे। अब दोस्तों देखिए, इसको हम इस प्रकार से इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे तिरछा। देखिए, यहाँ से मिलाकर, और इसको देखिए इतना लगभग यहाँ से 3.5 इंच, और इसकी लंबाई हो जाएगी हमारी 8 इंच। तो इस प्रकार से रखेंगे दोस्तों, और इसको हम ऐसे कटिंग कर देंगे। यहाँ से हम हल्का सा ऊपर लेंगे और इसको हल्की गोलाई के साथ ऐसे कटिंग कर देंगे। अब दोस्तों देखिए, इसको खोलने के बाद ये हमारी मैनी कुछ ऐसी दिखेगी। इसको हल्का सा यहाँ से गोलाई दे देंगे हम। अब दोस्तों, इसको लगाएंगे कैसे देखिए। पहले हम एक साइड के आसन को इस तरह रखेंगे और एक मैनी को लेंगे हम ऐसे, और इसको यहाँ पर देखिए नीचे इस में मिलाते हुए यहाँ पर, और इसको ऐसे मिलाते हुए आएंगे, और जहाँ पर ये हमारी मैनी की नोक आ रही है यहाँ से हमें सिलाई शुरू करनी है, और पहले यहाँ पर इसमें अटैच कर देंगे। तो उसके लिए दोस्तों मशीन पर चलते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, ये हमारा कपड़ा हल्के वाला था, पतला था, तो मैंने इसको डबल कर लिया है। ये देखिए, 2 पीस इसमें है और 2 पीस इसमें है। अगर आपके पास इतना कपड़ा ना हो तो आप इसके नीचे अस्तर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, पहले हम इस पर हम सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ, जिससे कि ये इधर उधर नहीं भागेगा। दोस्तों, दोनों मैनी के चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद हम अपने प्लाजो को लेंगे, और देखिए उसको इस तरह रखेंगे। ये हमारी उल्टी साइड है, ये हमारी थाई है। एक हिस्से को हम इस तरफ ऐसे रख देंगे, ये हमारी आसन का कपड़ा है। अब देखिए, इसको हम यहाँ पर देखिए इस तरह से मिलाएंगे। ये देखिए, और इसको ऐसे मिलाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, और जहाँ पे भी हमारी नोक आ रही है वहाँ से हम ऐसे सिलाई शुरू कर देंगे। और
इस कपड़े के साथ साथ में देखिए मिलाते हुए मैनी को ऐसे सिलाई लगाएंगे। अब दोस्तों देखिए इस पर हम इंटरलॉक लगा के और इस पर किनारे की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए दोस्तों इस पर इंटरलॉक लगा ली है। अब इसको मैनी को हम इस तरफ करेंगे और जो ये नीचे वाला कपड़ा है ये मई हमारी तरफ होगा ऐसे। अब इसके ऊपर ऐसे किनारे की सिलाई लगा लेंगे एक। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों देखिए ये दूसरी साइड का जो हिस्सा है इसको हम ऐसे यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और देखिए इसके साथ साथ हम ऐसे इसमें सिलाई लगाएंगे। यहाँ से इसको हम ऐसे मिलाकर देखेंगे, ये हमारा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों ये हमारी मैनी एक साइड की हमारी मैनी लग गई है। अब इस पर भी हम इंटरलॉक करके और अंदर की साइड से सिलाई लगा लेंगे ऐसे। दोस्तों देखिए अब इस पर हम सिलाई कैसे लगाएंगे, यहाँ पर से सिलाई शुरू करेंगे और देखिए यहाँ पर हम मिला देंगे इसको ऐसे, धागे की कटिंग कर देंगे। देखिए दोस्तों अब ये हमारी एक साइड की मैनी बिल्कुल अच्छी तरीके से लगी है और यहाँ पर देखिए बिल्कुल फिनिशिंग आई हुई है। अगर यहाँ पे अगर आपकी गुल जट आती है तो आपकी मैनी अच्छी तरह से नहीं लगी है। तो दोस्तों बिल्कुल फिनिशिंग से इसी तरह लगानी है। अब दोस्तों दूसरी साइड में भी हमने एक साइड में लगा दी है और इस पर सिलाई लगा के और फिर दूसरी साइड भी लगा के फिर मैं आपको आगे के बारे में बताता हूँ। अब दोस्तों दोनों मैनी लगाने के बाद आगे पीछे और अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे यहाँ से देखिए मिलाते हुए और इनको मैनियों को देखिए हम यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। ये देखिए ऐसे और इसको यहाँ पर मिलाएंगे देखिए इस तरह। और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे हम। अब दोस्तों इस पर एक डबल सिलाई लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे कर लेंगे हम इंटरलॉक। ये देखिए दोस्तों ये हमारी मैनी यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से लग गई है। अब ये जो हमारा यहाँ पर हिप साइड से जो टाइट था अब ये यहाँ पर बिल्कुल सही आएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे सेट करें जिससे हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।